हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिव्यन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो दिस इज द पार्ट थ्री ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सेप्ट एक्सपेक्टेड एम सी क्यूज वी आर गोइंग टू डिस्कस सो ये जो है आज हम बहुत सारे नए नए एम सी क्यूज इसमें डिस्कस करने वाले हैं इसके पहले मैंने पार्ट वन और पार्ट टू ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप एम सी क्यूज को चेक कर सकते हैं इसके पहले के काफ़ी सारे आपके कंसेप्ट उसमें से रिवाइज हो जाएंगे तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कि सर बाकी के सब्जेक्ट्स के भी अपलोड करें तो पहले मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिया है इसमें बहुत सारे चैप्टर्स के एक बार एमसीक्यूज हमारे हो जाए फिर हम कॉस्टिंग में जाने वाले हैं तो साइमल्टेनियसली आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ कॉस्टिंग के भी एम मिलने वाले हैं तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर ले अभी ताकि आपको अगली बार नोटिफिकेशन आ जाए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप लाइक करें अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर सकते हैं ठीक है थीके? चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर वन आज के सामने आज का जो है वो आपके सामने ये रहा द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शुड बी तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल पी एक्ट विच वॉज फॉर्म इन दर टू थाउजेंड एट एंड विच इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी तो पार्टनरशिप के कुछ एडवांटेजेस और कंपनी के कुछ एडवांटेजेस लेके एक नया कंसेप्ट हम लेके आए विच इज कॉल्ड एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और वो एक्ट फॉर्म हुआ था टू थाउजेंड एट में तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शुड बी तो नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए दो होने चाहिए ठीक है दो पार्टनर्स आपके लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए जरूरी है और मैक्सिमम कोई लिमिट इसकी नहीं है सेकेंड क्वेश्चन में जाते हैं द पार्टनर्स हु मैनेज द रूटीन एक्टिविटीज ऑफ एलएलपी जो पार्टनर्स रूटीन एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं एलएलपी के उसे क्या बोला जाता है दे आर कॉल्ड एज मैनेजिंग पार्टनर्स नॉमिनल पार्टनर्स स्लीपिंग पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा एंड दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ठीक है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो एक एलएलपी में दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जरूरी है जो एल एल पी के रूटीन एक्टिविटीज को मैनेज करेंगे और जो दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे उनके पास डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है और दूसरी चीज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है और दो जो हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे उनमें से कोई एक इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए दैट मीन्स ही शुड स्टे इन इंडिया फॉर 182 एटी टू डेज और मोर यू ऑल आर अवेयर अबाउट द कंडीशन अंडर सेक्शन 61 वन ऑफ अ रेसिडेंट ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक एम के साथ आपके बाकी सारे भी कंसेप्ट को क्लियर करूँ सो दैट पेपर में किसी तरीके से भी क्वेश्चन अगर आया तो आपको उसको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन नंबर थर्ड इज

डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है दैट द पॉइंट डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना पड़ता है और किसके लिए अप्लाई करना पड़ता है नंबर वन डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नंबर सेकंड मेंबर्स रजिस्ट्रेशन नंबर नंबर थर्ड एल एल पी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नंबर फोर्थ इज पैन नंबर तो रिमेंबर उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना पड़ेगा और वो होता है डीन नंबर जैसे किसी भी पर्सन को अगर कंपनी का डायरेक्टर बनना होगा तो उसे डिन नंबर जरूरी है डिन का मतलब होता है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर सिमिलरली जो हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है उनको भी डिन नंबर बहुत ही जरूरी हो जाएगा उसके बिना वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं बन सकते नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो so, इसका राइट right आंसर है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नेक्स्ट इज द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ एल इज तो लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ एल इज आई थिंक आपको ऑप्शन के बिना इसका आंसर आना चाहिए बिकॉज आपने कंसेप्ट जो पढ़ा है दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप तो एल जो है उसकी उसके पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी अनलिमिटेड होगी दोनों होगी या नन ऑफ द अबाउ तो राइट आंसर यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी ठीक है अगले क्वेश्चन में जाते हैं If one company takes over the business of another company, it is called as. Options are merger, consolidation, absorption या all of the above. तो so, मैं आपको दो कंसेप्ट इसमें से क्लियर करवाता हूँ जब एक कंपनी दूसरे के साथ मर्ज होके तीसरी कंपनी फॉर्म होती है तो उसे बोला जाता है मर्जर जब एक बड़ी कंपनी किसी छोटे कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो उसको हम absorption एक्विजिशन या टेक ओवर के नाम से जानते हैं तो तो इसका राइट right आंसर यहां पे बन जाएगा ठीक है है आपको ध्यान रखना मैंने दो तीन कंसेप्ट आपको साइमल्टेनियसली क्लियर करवाए हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट वाइल क्लोजिंग बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी दिस रिलेट्स विद द चैप्टर ऑफ अमाल सो so, आपने देखा होगा अमालगमेशन में हम जरल एंट्रीज करते हैं न्यू बुक्स में और हम ओल्ड बुक्स में लेजर बनाते हैं रियलाइजेशन इक्विटी शेयर होल्डर्स न्यू कंपनी फिर या, इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बहुत सारे लेजर्स हम बनाते हैं तो जो भी आपके मिसलेनियस असेट्स या मिसलेनियस या फिक्टिशियस असेट्स होते हैं वो हम कौन से लेजर में करते हैं? या इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में आप उसको ट्रांसफर करते हो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के डेबिट साइड में आप उसको ट्रांसफर करते हो ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से अगर क्वेश्चन बना तो आपको पेपर में आना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द जरल एंट्री फॉर क्रेडिटर्स एंड डेटर्स एडजस्टेड म्यूचुअली सो वी आर हैविंग एन एडजस्टमेंट इन अमाल गमेशन इंटर कंपनी ड्यूज एडजस्टेड या इंटर कंपनीज ड्यूज एडजस्टेड म्यूचुअली जिसमें दो टाइप के एडजस्टमेंट आते हैं एक होता है क्रेडिटर्स टू डेटर्स का और एक होता है बिल्स पेबल टू बिल्स रिसिवेबल का तो उसका जरल एंट्री क्या होगा डेटर्स टू क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स टू डेटर्स रियलाइजेशन टू क्रेडिटर्स या रियलाइजेशन टू डेटर्स तो आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा इसका राइट right आंसर है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट तो द जनरल एंट्री फॉर इंटर कंपनी एडजस्टमेंट इज क्रेडिटर्स टू डेटर्स यही पे अगर बिल्स और बिल्स रिसीवेबल का आएगा तो क्या होगा एंट्री बिल्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ठीक है नाइन्थ क्वेश्चन में जाते हैं कि अमाल एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट अंडर विच हेड तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट जो आपका लास्ट एंट्री आप करते हो हम स्टैट्यूटरी रिजर्व का एंट्री करते हैं अमाल गमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैटरी रिजर्व अकाउंट वो हम बैलेंस शीट में कौन से हेड में प्रेजेंट करते हैं अब ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं देखो ये हम सबसे पहले अदर करंट असेट्स के हेडिंग में प्रेजेंट करते थे बैलेंस शीट असेट साइड में अदर करंट असेट्स लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पे थोड़ा सा अभी चेंज किया गया और ये जो अमालगमेशन एडजस्टमेंट है वो हम अभी अदर करंट असेट्स में प्रेजेंट नहीं करेंगे उसे हम अभी रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग के अंदर लेस करके दिखाते हैं मतलब कर आंसर तो वही आएगा लेकिन आपको प्रेजेंटेशन ध्यान रखना है दैट अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट अभी हम क्या करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में लेस करके दिखाएंगे तो राइट आंसर फॉर दिस सरप्लस अकाउंट क्वेश्चन नंबर टेन में जाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड इन केस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स तो जब हम गुड्स का इंपोर्ट करेंगे ये आपके फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में से क्वेश्चन है तो अगर आप गुड्स का इंपोर्ट करोगे तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड पूछा है इंपोर्ट में कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा सनरी डेटर सनरी क्रेडिटर्स एक्सपोर्ट सेल्स या परचेजेस अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे परचेजेस को टिक मार कर लेंगे बिकॉज उनको थोड़ा थोड़ा याद आएगा कि कुछ परचेस वाला एंट्री हम इंपोर्ट में करते थे लेकिन आपको एंट्री क्या है परचेस का वो क्लियर होना चाहिए एंट्री क्या है परचेस का उंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट और पार्टीज मतलब कौन होते हैं क्रेडिटर्स तो एंट्री होगा परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स और यहां पे पूछा है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा तो इसका राइट right आंसर बनेगा सन्डरी क्रेडिटर्स अकाउंट ठीक है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें आपके एक एक क्वेश्चन से कवर अप हो जाए ताकि मैक्सिमम आपको एडवांटेज इन एमसीक्यू सीरीज का मिलते रहे नंबर का क्वेश्चन में जाएंगे द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू कंपनी इज टू बी प्रिपेयर्ड एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट टू थाउजेंडर्टीन अंडर विच शेड्यूल शेड्यूल सिक्स शेड्यूल थ्री शेड्यूल फोर या शेड्यूल सेवन तो डू रिमेंबर दिस जो वर्टिकल बैलेंस शीट आप बनाते हो कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड के टू थाउजेंड थर्टीन के बेसिस पे वो हम शेड्यूल थ्री के बेसिस पे बनाते हैं तो राइट आंसर फॉर दिस इज शेड्यूल थ्री पहले जो बैलेंस शीट बनती थी जिसको हम टी फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बोलते थे एक साइड में लाइबिलिटीज और दूसरे साइड में असेट्स लिखते थे वो शेड्यूल सिक्स के बेसिस पे बनती थी अभी इंडियन कंपनीज एक्ट टू में जो वर्टिकल बैलेंस शीट बनाई जाती है दैट इज प्रिपेड एज पर शेड्यूल थ्री ओके सो दिस इज द पॉइंट आई हैव क्लियर टू यू नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेल्थ नंबर Which amalgamation is in nature of merger, the accounting method to be followed. Which amalgamation is in the nature of merger the accounting method is to be followed. Hike amalgamation may do type मेथड ऑफ मर्जर और एक होता है मेथड ऑफ परचेज आप बोलेंगे सर मेथड तो हमने कुछ और पढ़े हैं नेट असेट्स मेथड नेट पेमेंट मेथड बच्चों वो नेट असेट्स और नेट पेमेंट मेथड जो है दैट इज मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन यर द क्वेश्चन सेज अबाउट द मेथड्स ऑफ अमालगमेशन तो अमालगमेशन के दो मेथड्स होते हैं इन द नेचर ऑफ परचेज इन द नेचर ऑफ मर्जर तो आपको याद रखना है ये याद रख के जाना पेपर में यहाँ से अगर कुछ पूछा तो ये आपको पेपर में आना चाहिए विटी मेथड परचेज मैथड पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और नन ऑफ द्वेश्चन में पूछा गया कि अमागमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर तो आपको याद रखना है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड तो थोड़ा सा नया एमसीक्यू है ध्यान रखना पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ठीक है आपको यह ध्यान रखना है अमागमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर जब रहा तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इज द राइट आंसर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट बिलोंग टू अट स्पेसिफिकली प्लेज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बहुत सारे लिस्ट है लिस्ट ए से लेके एच तक तो हर एक बार मैंने ट्राई किया कि यहाँ से एक एम आपके पेपर में तो बनने ही वाला है तो ध्यान रखना एक काम करना है आपको पूरा का पूरा लिस्ट एक बार रट लो तो वहां से क्वेश्चन कुछ भी आएगा तो पेपर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा तो प्लेज करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट बिलोंग टू अ स्पेसिफिकली प्लेज तो राइट आंसर फॉर दिस इज लिस्ट बी इसको आपको बाहेट करना है इसके लिए आपके लिए मैंने ये पूरा का पूरा चार्ट डाल दिया है लिस्ट ए असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज लिस्ट बी असेट स्पेसिफिकली प्लेज लिस्ट सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिस्ट डी डिवेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज लिस्ट ई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट एफ प्रेफरेंशियल होल्डर्स लिस्ट जी इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड लिस्ट एच इज सरप्लस ऑब्लिक डेफिशेंसी अकाउंट तो ये एक बार लिस्ट ध्यान से रिवाइज कर लेना बिकॉज यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में जाएंगे कैश रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्शन आर मॉनिटरी आइटम्स नॉन मॉनिटरी आइटम्स करंट आइटम्स या ऑल ऑफ जो तो कैश है कैश इज अ लिक्विड एसेट्स तो आपने जान लिया होगा इसका सही आंसर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज मॉनिटरी आइटम्स तो कैश जो है रिसीवेबल जो है एंड पेबल जो है वो कौन किसके एग्जाम्पल्स है तो वो है मॉनिटरी आइटम्स के एग्जाम्पल और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं फिफ्टीन नंबर का If the whole of the issue of shares or debentures is underwritten, it is called as। So तो दिस from फ्रॉम chapter ऑफ underwriting of ऑफ and एंड So अगर आपका पूरा का पूरा जो इशू है वो अंडर रिटर्न हुआ है तो उसको क्या बोला जाएगा पार्शियल अंडर राइटिंग ऑब्वियसली पार्शल तो बोला ही नहीं जाएगा सोल अंडर राइटिंग सिंगल अंडर राइटिंग भी नहीं बोला जाएगा अभी ऑप्शन बचते हैं हमारे पास फुल अंडर राइटिंग और नन ऑफ द अबव तो नन ऑफ ऑफ द अबव तो कट हो जाएगा तो आपका सही आंसर बनेगा फुल अंडर राइटिंग तो देखो एम सॉल्व करने का तरीका है किसी को भी टिक मार्क करके मत आ जाना पहले सोचो अगर आपको किसका भी आंसर नहीं पता तो पहले एलिमिनेशन मेथड से भी एमसीक्यू बन सकता है आप पहले ये देखो कि अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप पहले ये देखो कि कौन सा ऑप्शन नहीं बन सकता उसको कटमार कट कर दो तो बाकी के ऑप्शंस में से थोड़ा डिसाइड करना इजी हो जाता है जैसे कौन बनेगा करोड़पति में आपने देखा होगा फिफ्टी फिफ्टी करते हैं तो दो ऑप्शंस गलत निकल जाते फिर बचे हुए दो ऑप्शन में से हम फाइंड करते हैं तो ये थे आज के एमसीक्यूज इसका राइट right आंसर है फुल अंडर राइटिंग ठीक है तो दिज आर दी एम सी क्यूज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको जल्दी अभी कॉस्टिंग के एमसीक्यूज भी मिलने वाले हैं तो ये सारे पी को मैं कंबाइंड शेयर करने वाला हूँ तो स्टूडेंट्स वेर कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन कि सर आप पी तो शेयर कर नहीं रहे हो हम किस तरीके से पढ़े तो बच्चों मैं आपको सारे पी देने वाला हूँ एक साथ मैं उसको कंबाइंड करके क्लब्ड करके टेलीग्राम के चैनल के ऊपर शेयर करने वाला हूँ तो अभी अभी तक अगर आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर ले और इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा एंड द लिंक विल बी रिलेटेड विद टेलीग्राम चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम उसको ज्वाइन कर ले वहाँ पे सारे पी डी एफ डालने वाला हो जो आपको काफी हेल्प करने वाले आपके एग्जाम से रिलेटेड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर पहली बार आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर